देखो जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में काफ़ी कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स आ रही, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए एक बनाया है आपको समझाने के लिए। जैसे अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, ये फॉर्म खुल के आ जाएगा आपको। फॉर्म में यहाँ पूछा जा रहा है नाम, तो नाम में सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट पैड पर लिख के रखा हुआ है, यहाँ से मैं बस आपको उसको सैम्पल करके दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक किया, नाम को नाम के आगे पेस्ट कर दिया, उसके आगे आपके सामने फिर आधार कार्ड है, आधार कार्ड को हमने फिर यहाँ से प्रेस किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर आए आधार कार्ड के आगे आधार कार्ड डिटेल्स जनरल है, जनरल में मेल फीमेल, मेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2012, तो यहाँ पे पहले आपको सेलेक्ट करना है 1/1/2012, यानी 22 है, 1/1/2012 ये हमने सेलेक्ट कर लिया, 1/1/2012 करेक्ट। फिर हमें इस इंग्लिश फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 जनवरी 2011, सॉरी 11 नहीं 12 है, एक बार हम दोबारा रीवेरीफाई कर लेंगे, 12 है राइट, ये चीज़ रीवेरीफाई कर लीजिएगा, फिर दोबारा से आपको ही करना ना पड़े, यानी हो गया आपका 12 2012, TWELVE 12 करेक्ट। अब प्लेस ऑफ बर्थ में क्या है, इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ फिरोज़ाबाद, हमने यहाँ से फिरोज़ाबाद सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद है फादर नेम, फादर नेम इनका ये हमने सेलेक्ट कर लिया फादर नेम, और वाइट ये हमने मेंशन कर दिया। फिर है आधार कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स है, आधार कार्ड डिटेल्स हमने यहाँ पे फुल फिल कर लिया। देन उसके बाद है मदर्स नेम,